तो विपक्ष ने पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर हल्ला बोल शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने लुधियाना में प्रदर्शन किया है तो मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पटियाला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर घोड़े को फूलमाला पहनाई जा रही है। यहाँ पर नारियल फोड़कर इस प्रदर्शन की शुरुआत की गई और उसके बाद बैलगाड़ी पर सफर तय किया गया। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मुरादाबाद, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम में उछाल हो रहा है, हर दिन जिस तरह से इसके दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर इन जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। घोड़ा गाड़ी पर किस तरह से पटियाला में प्रदर्शन किया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ सीनियर डिप्टी मेयर खुद घोड़ा गाड़ी पर सवार हो गए और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले बाकायदा, और ये देखिए, आपको अगर दाम बताए तो दिल्ली में 69.99 रुपये, जबकि डीजल 72.07 रुपये, मुंबई की बात करें तो 87.39 रुपये पेट्रोल की कीमत और 76.51 रुपये डीजल की कीमत यहाँ पर दिख रही है। चेन्नई की बात करें तो 83.18 रुपये और 76.17 रुपये डीजल की कीमत, और कोलकाता की बात करें तो 82.88 रुपये पेट्रोल और 74.92 रुपये डीजल की कीमत हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं लग रहा है, और ऐसे में आम लोगों की चिंता भी बढ़ते जा रही है। हम इस वक्त कनॉट प्लेस के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है और यहाँ पर सीधे आम लोगों से ही बातचीत करते हैं। दाम बढ़ रहे हैं चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो। हाँ जी, खैर नुकसान तो खैर है ही, पब्लिक का नुकसान तो हो ही रहा थोड़ा बहुत, मगर क्या कर सकता है, सरकार करेगी क्या? ऊपर से महंगाई आ रही है तो सरकार क्या करेगी। जिस तरह से रोजाना पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के भी बढ़ रहे हैं। हमने परसों डलवाया था तब तो 79 समथिंग था, आज हम एकदम शौक हो गए, हमने देखा 83 हो रहा है, तो मतलब तो बहुत बुरा हाल है कॉलेज में जाने का। अब तो मेट्रो का कन्वेंस लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा रेगुलर। अच्छा, रोज ऐसे इंक्रीज होता रहेगा तो फिर बस ही सही है, हम तो स्टूडेंट है वैसे भी, और रोज पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर हमको प्रॉब्लम होगी आगे। सरकार से कोई मांग है, कोई अपील है? कितना इतनी महंगाई हो गई, इतनी परेशानी हो रही है लोगों को, पहले कहाँ 50-60 रुपये था पेट्रोल, अब इतना एकदम महंगाई कर दी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चों को लाने वाले स्कूल के बच्चों लेके आते हैं, ना दो दफा कम से कम पेट्रोल डलवाना पड़ता है। आम लोग फिलहाल डीजल और पेट्रोल के इन बढ़ते हुए जो दाम है उनसे खासा परेशान नजर आ रहे हैं। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिर ये महंगाई कब कम होगी। कैमरा पर्सन सतविंदर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। हैरानी की बात है, हर रोज दाम बढ़ रहे हैं और उस पर वित्त मंत्री का ये कहना कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते घटते रहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।